नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार में शराबबंदी कानून में कोताही, बालू उत्खनन में व्यापक भ्रष्टाचार और भूमि विवाद जैसे मामलों में उगाही और लापरवाही करने वाले 644 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गई है। अभी तक कुल 85 पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही 56 पदाधिकारियों को भी दंड दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि वो अपने पदाधिकारियों और कर्मियों की पेशेवर कुशलता में लापरवाही, कर्तव्यहीनता और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते रहे हैं। आपको बताते चले कि पुलिस मुख्यालय की माने तो इसी के तहत ये कार्रवाइयां की गई हैं और इस साल यानी कि 2020 में नवंबर तक मुख्य रूप से शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में कोताही, बालू के अवैध खनन और परिवहन में संलिप्तता, भूमि विवाद संबंधी मामलों और भ्रष्टाचार एवं कर्तव्यहीनता जैसे मामलों में 644 पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिन राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई संचालित की गई है उनकी संख्या बिहार पुलिस मुख्यालय में 38 बताई गई है। इनमें से भारतीय पुलिस सेवा में 2 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई में बड़ी सजा दी गई है, जबकि 4 पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित है। जिन राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई संचालित है उनकी संख्या 606 बताई गई है। अभी तक कुल 85 पदाधिकारियों सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही 56 पदाधिकारियों को भी दंड दिया जा चुका है। साथ ही कई राजपत्रित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ मामले विचाराधीन है जिस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने इन विभागीय कार्रवाई को त्वरित संचालन कर निष्पादन का निर्देश दिया है। इस नीति के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा 48 मामले जिनमें आरोप की तुलना में अपर्याप्त सजा दी गई थी, आपको बताते चले कि उन मामलों में पुनर्समीक्षा की गई जिसके बाद से दूसरे पदाधिकारियों को दंडित किया गया है। इनमें से 30 पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों में पेंशन के कटौती के दंड के हिसाब से दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।